38 टॉपिक है जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं आउट ऑफ 40 टॉपिक्स दोस्तों। और आज के जो 39th और 40 टॉपिक्स हैं वो क्या है, गुड मॉर्निंग, एक तो है आपके दोस्तों यूनाइटेड नेशंस को लेकर, यूनाइटेड नेशन और इसके सस्टेनेबल गोल्स के बारे में, कौन कौन सा सस्टेनेबल गोल है आपको पता होना चाहिए। साथ में 40 की बात करें, 40 वाला जो टॉपिक होगा ये होगा आपका सेंसेस 2011, हालांकि 2 साल बाद फिर से आने वाला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बेसिक ज़्यादा पॉइंट देखेंगे, 20 के आसपास पॉइंट्स हैं जो कि हम देखेंगे, इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं सेंसेस से, पूरा का पूरा सेंसेस नहीं देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट देखेंगे जो कि आप याद रख सकते हो, ठीक है, याद रख सकते हो और साथ में जो एग्जाम में आता है, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, समझ गए, ठीक है, तो ये हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो आज के दो हमारे एजेंडाज हैं जो कि आज हम पूरे करेंगे दोस्तों, एक तो ये वाला और एक ये वाला। चलो, बुक्स एंड ऑथर्स ये सब करंट अफेयर के अंदर करवाऊंगा, एक बार करंट अफेयर कभी डेटा जान दो, फिर आपके लिए करंट अफेयर ले आऊंगा, उसमें करवा दूंगा। चलो, तो यूएन के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशंस के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूएन के बारे में देखो, हुआ क्या था दोस्तों कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तब एक बॉडी बनाई गई थी कि वापस से दुनिया के अंदर इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं करेंगे। क्या बनाया था? लीग ऑफ नेशंस, समझ गए, क्या बनाया था? लीग ऑफ नेशंस बनाया था। अब लीग ऑफ नेशंस ये बनाया था कि वापस से दुनिया के अंदर कोई भी इस तरीके से वर्ल्ड वॉर जो है नहीं होगी पूरी दुनिया में। इसका हेडक्वार्टर जो था वो उस टाइम पे जेनेवा में था, ये बनाई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, समझ गए, हाँ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में इसको बनाया गया था। अब लीग ऑफ नेशंस की बात करें तो उसको उस टाइम पे, ठीक है, और ट्रीटी कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स करके थी, जो कि एक ट्रीटी हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछते हैं कि लीग ऑफ नेशन कौन सी ट्रीटी से बना था, तो उसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साइलियस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ वर्साइलियस। अब ये जब ट्रीटी हुई उसके बाद में लीग ऑफ नेशन बना, बोला कि वापस से वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होगी दोस्तों। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका काम क्या था कि दुनिया में पीस को मेंटेन करना है, समझ गए। तो 1920 के अंदर, 18 में तो वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, 1920 में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, पहले तो पेरिस पीस बोलते हैं इसको, ट्रीटी ऑफ पेरिस पीस, और लास्ट में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है, फिर इसकी स्थापना है जो कि हो जाती है, ठीक है। जो बच्चे नए आए हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप पुरानी वाली सारी पीडीएफ और वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, आप उनको देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है, ओके। जिस तरीके से लीग ऑफ नेशंस बनाया गया ताकि दुनिया में पीस रहे, 1919 के अंदर वुड्रो विल्सन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे आगे थोड़ा सा, ठीक है, लीग ऑफ नेशन बनाने की वजह से यूएस प्रेसिडेंट, क्या नाम था इनका, वुड्रो विल्सन, वो क्या मिला, नोबेल अवार्ड भी मिला, नोबेल प्राइज से भी इनको नवाजा गया, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे ही दोस्तों वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, लीग ऑफ नेशन हो जाता है फेल, और उसके बाद में 46 के अंदर इसको कर देते हैं डिसॉल्व, ये हो जाता है डिसॉल्व, यानी कि खत्म इसको कर दिया जाता है। 46 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर एंड होती है दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड होती है, तब एक नई बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम था दोस्तों यूनाइटेड नेशंस। इसका काम भी यही था, और लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इसकी पावर्स रखी गई ताकि कोई देश किसी तरीके से कुछ और ना कर सके, ठीक है, और चीज़ें क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, ओके। ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, रिस्पॉन्सिबल था इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पूरी दुनिया में बने रहे, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बनाया गया। इसके अलावा 4 जगह पे इसके ऑफिसेज बनाए गए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया, न्यू यॉर्क में। और इसके ऑफिसेज कहाँ कहाँ पर हैं दोस्तों, एक तो है नैरोबी में केन्या में, एक है वियना में, और बताओ भाई, नैरोबी वियना तो मैंने बता दिया, आप और बताओ, हाँ जेनेवा और हेग, पेरिस वेरिस नहीं है, जेनेवा में है, और एक हेग के अंदर, एक कहाँ पर है, नीदरलैंड की सिटी है, ठीक है, यहाँ पे इसके ऑफिसेस है जो कि उस टाइम पे बनाए गए, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर 1945 में, 25 अप्रैल 1945 मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, 25 अप्रैल 1945 के अंदर 50 देश सैन फ्रांसिस्को के अंदर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और इसको सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, इकट्ठा होते हैं और यूएन चार्टर को बनाते हैं, ओके, जो कि 24 अक्टूबर 1945 से लागू होता है। क्या बनाते हैं ये सारे लोग, यूएन चार्टर। चार्टर का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस। एक संविधान होता ना, संविधान जिसको अपन कहते हैं ना, वैसे यूएन अपना संविधान को बनाते हैं। इन 50 देशों के अंदर दोस्तों भारत भी शामिल था, ध्यान रखिएगा, इंडिया भी इसके अंदर शामिल था, हालांकि उस टाइम पे जो आजाद देश थे ना वही शामिल थे, लेकिन इंडिया आजाद नहीं था, इवन तो इंडिया इसका मेंबर था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था फिर भी इसका मेंबर था, तो उस टाइम पे भारत इसका मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर था इसका, क्या बोलते हैं, फाउंडिंग मेंबर, समझ गए। अब जब ये यूएन चार्टर होता है लागू, तो कब होता है लागू,
24 अक्टूबर 1945, इसलिए 24 अक्टूबर को हम क्या बोलते हैं, यूएन डे है, जो कि हम लोग इसको मनाते हैं। बच्चे ने अभी ज्वाइन किया और बोल रहा है कि सर आज का टॉपिक क्या है। अरे मैं बता चुका हूँ सब कुछ, एक बार पीछे करके देख लो भाई। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था तब यूएन के 51 मेंबर्स थे, 50 लोगों ने मीटिंग में शामिल हुआ, और वैसे जापान मेरे ख्याल से आई गेस एक देश था जो कि इसकी मीटिंग में शामिल हुआ था, लेकिन फिर भी इसके मेंबर था, तो 51 देश थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स, और अभी 193 कंट्रीज है। ठीक है, तो उस टाइम पे 51 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, हालांकि मीटिंग 50 ने अटेंड करी थी। पोलैंड ने मीटिंग अटेंड करी, इवन दो ही वाज द मेंबर, फाउंडिंग मेंबर। और अभी कितने हो चुके हैं 2019 तक, 193 कंट्रीज। ठीक है, तो दुनिया के ऑलमोस्ट क्या पूरे देश इसके अंदर शामिल हो गए, जो कि सोवेरियन है, यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। दो इसके ऑब्जर्वर भी है, पता है ना, 193 कंट्रीज इसके मेंबर है और दो इसके ऑब्जर्वर है। ओके, दो ऑब्जर्वर कौन कौन से देश है? ऑब्जर्वर का मतलब है कि भाई ठीक है आप मेंबर नहीं हो, लेकिन फिर भी आप ऑब्जर्वर के तौर पर काम कर सकते हो। एक तो ओलिसी और एक पैलेस्टीन है। ओलिसी का मतलब वेटिकन सिटी और एक पैलेस्टीन है। चाहे तो ये बन सकते हैं, लेकिन ये बने नहीं है जानबूझ के। एक तो है वेटिकन सिटी जिसको ओलिसी कहते हैं, और एक हो गया पैलेस्टीन। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जो ये नाम था, ये यूएस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के द्वारा कॉइन किया गया था 1 जनवरी 1942 के अंदर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब उस टाइम पे 26 देशों ने जो है फाइट कर रहे थे ये लोग मिलकर, किसके, एक्सिस पावर, जर्मनी के खिलाफ जो ये लोग लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है, इसके ये वो है क्या बोलते हैं, ऑलिव ब्रांचेस, बीच में वर्ल्ड है। ठीक है, 24 अक्टूबर को यूएन डे इसलिए मनाते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि इस टाइम पे हमने अडॉप्ट किया था इसके चार्टर को। 50 कंट्रीज सैन फ्रांसिस्को में मिलते हैं। ओके, ठीक है, और साइन होता है 26 जून को। पोलैंड देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं था कॉन्फ्रेंस में, फिर भी उसने बाद में साइन किया, इसलिए 51 ओरिजिनल मेंबर है जो कि माने जाते हैं। ठीक है, और 24 अक्टूबर को आता है 1945 को, इसलिए हम यूएन डे मनाते हैं। सभी देशों ने इसको रेक्टिफाई किया दोस्तों उस टाइम पे। अब आते हैं इसके मेन ऑर्गन्स, 6 इसके मेन ऑर्गन्स हैं जो कि माने जाते हैं। जैसे आपकी बॉडी के दो हाथ हैं, उसी तरीके से यूएन के ऑर्गन्स हैं। कौन कौन सा है? जनरल असेंबली सबसे पहले, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और साथ में यूएन सेक्रेटरी। ठीक है, यूएन के अंदर पैसा कहाँ से मिलता है? सभी देश कंट्रीब्यूट करते हैं। हर कंट्री क्या करता है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर पैसा, हर साल, ईच ईयर। ठीक है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र, अंग महासभा, ये सब इसके मेंबर है। सबसे पहले जनरल असेंबली के बारे में जानते हैं। दुनिया के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इसकी मीटिंग अटेंड करने आते हैं। फर्स्ट जो वीक होता है ना सितंबर का, ओके, वहाँ पे यूएन की मेंबरशिप मीटिंग होती है जनरल असेंबली के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ही होती है। ठीक है, समझ गए, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऑर्गन्स को लेकर कई बार जो है वो सवाल पेपर में पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, जनरल असेंबली एक क्या है, एक असेंबली है, जनरली जो है सारे के सारे मेंबर आके यहाँ पे मीटिंग करते हैं। ठीक है, ये बात आपको जान रखनी है। एक प्रेसिडेंट इसका चुना जाता है ना, और जो कि इसके मेंबर में से चुना जाता है रोटेटिंग भी आपके ऊपर, रीजनल बेसिस के ऊपर, और एक तो प्रेसिडेंट होता है और 21 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और पहली बार 10 जनवरी 1946 को इसकी सेशन हुआ था लंदन के अंदर, समझ गए। 2/3 यहाँ पे वोटिंग होती है, और यहाँ पे जो भी काम है जो कि यहाँ पे कर लिया जाता है। ओके, हर एक मेंबर को एक ही वोट मिलता है, किसी को दो नहीं मिलते, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, समझ गए। ठीक है, और ये इसके ट्यूसडे को होती है मीटिंग, आई गेस इसकी जो मीटिंग होती है वो सेकंड वीक ऑफ ट्यूसडे को होती है, सेकंड वीक ऑफ ट्यूसडे होता है मेरे ख्याल से हर साल का, जो भी होता है मतलब उस दिन होती है आई गेस इसकी मीटिंग, है ना। ठीक है, सेकंड वीक ऑफ ट्यूसडे उस दिन इनकी मीटिंग होती है। और ठीक है, जो भी यहाँ पे मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, वो 1 ईयर टर्म है जो कि ऑफिस में बिताता है, प्लस 21 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं रोटेटिंग भी आपके। ठीक है, ये देखो इस तरीके से ये ऑफिस इनका वो है, यूएन असेंबली है, जनरल असेंबली। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और ये सब मैंने आपको बताई दिया। 6 इसकी मेन कमिटीज भी होती है, वैसे 6 इसकी मेन क्या होती है, कमिटीज भी होती है। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को? एक बार मुझे वोट करके बताना, आवाज आवाज तो सबको सही है ना, आवाज आवाज सबको दिखाई दिखाई सबको सही दे रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, तो ये होगा, और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं।
अभी जनरल असेंबली का वो कौन है, एक बच्चा पूछ रहा है कि अभी फिलहाल वो कौन है, तो तानाजी करके, तानाजी बंदे करके जो कि अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है, तजानी नाइजीरियन है, तीजानी नाम है, तीजानी, तीजानी बंदे, लिख देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेसिडेंट का नाम, तीजानी, तीजानी बंदे करके है, कहाँ के है, नाइजीरिया के है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका ऑर्गन है, इसके क्या होते हैं 5-15 मेंबर्स होते हैं, 5 तो परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है, 5 परमानेंट कौन से हैं, यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना और रशिया, ठीक है। ये सबसे P5 बोलते हैं इनको, सबसे पावरफुल, इनके बिना पत्ता भी निलता है यूएन के अंदर, अगर इन्होंने बोल दिया ना ये काम नहीं होगा तो नहीं होता है, सबकी पांचों की सहमति जाना जरूरी होता है, उसको बोलते हैं वीटो पावर, अगर कोई मना करते ना तो वो बोलता है कि अपनी वीटो पावर यूज करके उसने मना कर दिया तो वो काम नहीं हो पाया। 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं, ईच मेंबर का एक वोट होता है, सिक्योरिटी का एक प्रेसिडेंट भी होता है जो कि हर महीने इसकी सीट क्या होती है, रोटेट होती है हर महीने, जैसे कि ए बी सी, उस हिसाब से जो है इसकी सीट है जो कि आगे पीछे बढ़ती रहती है, ठीक है। वीटो पावर जो है ये लोग P5 वाले काम में ले सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनका 2 ईयर टर्म होता है, 2 ईयर कितने साल के लिए, 2 साल के लिए होता है, ये भी ध्यान रख लो, जो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनके 2 साल का होता है, ठीक है, 2 ईयर का क्या होता है, टर्म होता है, 2 साल में इनकी जो है वो क्या होती है, सीट रोटेशन होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिया को मिलने वाली थी लेकिन इंडिया ने उस टाइम पर ली नहीं, और आज हर एक देश जो है वो P5 के अंदर इंक्लूड होना चाहता है, भारत भी चाहता है कि P5 से P6 हो जाए, 7 हो जाए तो हम भी इंक्लूड हो जाए, तो काफी सारे देशों ने जो है इसके ऊपर कर रखा है, ठीक है, भारत को मिल रही थी लेकिन भारत ने उस टाइम पर ली नहीं, चाइना को दे दी, तो अगर अभी चाइना ही है जो कि भारत को लेने नहीं दे रहा है, समझ लो, सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे ये हो गई है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अब चलते हैं अपने सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ। अब अगर मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है सिक्योरिटी काउंसिल, तो मैंने आपको और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो 15 मेंबर में से जो 10 मेंबर नॉन परमानेंट है ना, ये रीजन के हिसाब से चुने जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि 2 तरीके से रीजन लिए जाते हैं, एक तो होते हैं बाइंडिंग जो कि मानने ही पड़ते हैं, और एक होता है नॉन बाइंडिंग जिसके ऊपर आप नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, समझ गए, ठीक है। अभी कई बार ऐसा रीजन होता है ना जो सीज फायर हो जाता है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर सीज फायर हुआ, तो वो क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि आपको अपनाना ही पड़ेगा, आप कौन से वाले में जा रहे हो, रीजन लेना चाह रहे हो, ये होता है इसके अंदर। और इसके जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है वो रीजन के हिसाब से होते हैं, हाँ इंडिया भी नॉन परमानेंट था, बहुत बार रह चुका है नॉन परमानेंट, क्योंकि इसमें क्या रीजन के हिसाब से आपको चुना जाता है, जैसे कि एशिया हो गया है ना, और साथ में क्या बोलते हैं एशिया पैसिफिक है, एक तो वेस्टर्न यूरोप और अदर्स है, एक ईस्टर्न यूरोप है, इस तरीके से रीजन जो है इसमें डिवाइड करेगा, तो सबको सीटें मिली हुई है, किसको कितनी है, किसको कितनी है, इस तरीके से सीटों के भी आपके ऊपर जो है यहाँ पे वोटिंग यहाँ पे लोगों को चुना जाता है, जैसे कि अफ्रीका से मान लो 2 सीटें दे रखी है, ठीक है, फिर वहाँ से यूरोप को जो है 3 सीटें दे रखी है, इस तरीके से, ठीक है। गल्फ देश जो है वो एक बार अफ्रीका से और एक बार एशिया से, यहाँ से चुने जाते हैं हमेशा, ठीक है, ध्यान रहेगा। जैसे कि अफ्रीका है, अफ्रीका से 3 सीटें हैं, एशिया पैसिफिक से 2 सीटें हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 सीट है, लैटिन अमेरिका है वहाँ से, ठीक है, 1 है, वेस्टर्न यूरोप जो एरिया है और बाकी वहाँ से 3 सीटें हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, समझ गए। हर महीने प्रेसिडेंट चेंज होता है, तो इसलिए अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रेजेंटली दिसंबर की बात करें, अगर आने वाले तो यूएस को मिलेगी है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द उसके याफे मिलता है ABCDEFG, उसके हिसाब से चलता है मतलब ये, ठीक है। अभी मेंबर कौन कौन है, 2020 और 2021 के जो मेंबर है वो नाइजीरिया, टूनिशिया, अफ्रीका, वियतनाम, ये सब देश है, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे पेपर में नहीं पूछते कौन कौन से मेंबर है, क्योंकि रिटायर होते रहते हैं, ठीक है, 2 साल में दूसरे कोई ना कोई आता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हो, ये है 15 मेंबर की जो चेयर है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके अंदर दोस्तों 54 मेंबर है, और ये प्लेटफॉर्म है डिबेट करने के लिए, इनोवेटिव थिंकिंग के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, नाम से पता लग रहा है, कोई भी इकोनॉमिक या फिर सोशल काउंसिल है जहां पे आप डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हो, तो ज्यादा सदस्य नहीं है, 54 सदस्य हैं इसके लिए, ठीक है, ये देखो इस तरीके से। फिर आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, नॉर्मली दोस्तों गूगल पे बहुत जगह दिखाते हैं कि 5 ऑर्गन है यूएन के, लेकिन एक्चुअली में 5 नहीं है, ठीक है, 6 ऑर्गन है, ये डेड नहीं हुआ है, ये अभी भी है ना, गूगल पे बहुत जगह 5 बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसने अपने ऑपरेशन जो है 1994 में बंद किए थे, है ना, लास्ट बार ये क्या करता है, न्याय दिलवाता है, कोई भी देश है उसको न्याय दिलाने का काम करता है, समझ गए, तो इसके ऑपरेशन काफी टाइम पहले जो है वो वैसे होल्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है ये काम कर रहा है, ठीक है। ट्रस्ट जो है टेरिटरीज के अंदर बना रहे, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बना रहे, समझ गए, तो ये इसका काम होता है, ठीक है। पलाव जो है पहले पैसिफिक आइलैंड्स का मेंबर था, लेकिन इसी को जो है बाद में 1994 के अंदर इनके द्वारा ही एड ऑन किया गया था, यूएन का मेंबर बनाया गया था, ठीक है। हालांकि अभी इनको लीगल स्टेटस इनएक्टिव दे रखा है, लेकिन फिर भी ये इसका ऑर्गन माना जाता है, ये बात को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1994 में इसका ऑपरेशन सस्पेंड करेगा, लेकिन अभी भी इसका ऑर्गन माना जाता है, ओके। चलो आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, लैंग्वेज लैंग्वेज सब बता दूंगा अभी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको,
ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, और ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, इनके रूल्स जो है वो सभी कंट्रीज को मानने पड़ते हैं, सबसे सुपीरियर बॉडी होती है ये, तो दो तरीके की डिसीजन लेके आती है। एक तो होता है बाइंडिंग, जिसको बोलते हैं परमानेंट डिसीजन, वो तो मानना ही पड़ता है। एक होता है नॉन बाइंडिंग, ठीक है, तो वो मानो नहीं मानो आपके ऊपर है, इस तरीके से होता है। नॉर्मली देखो जो पावरफुल देश है ना, वो किसी की सुनते नहीं है यार, प्रैक्टिकल बात तो ये है, प्रैक्टिकल तो ये है कि सुनते नहीं है। जो अगर चाइना है, चाइना को कुछ भी बोलो क्या फर्क पड़ता है उसको, तो आज के टाइम पे कोई सुनता नहीं है। यूएन जो एक बॉडी बनकर रह गई है, कोई मानता मानता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब आपको अगर इंटरनेशनली अपनी रेपुटेशन अच्छी रखनी है तो यूएन की बात माननी पड़ती है, ये एक बात होती है, ठीक है ना। फिर आता है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको अपन इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं। दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो वो यहीं पे जाते हैं। हमारा भी कलभूषण वाला जो केस है वो यहीं चल रहा है ना, हमने जीता भी है। ओके, हमारे धवन जी हैं जो कि हरीश धवन, जो कि यहाँ पे लड़ रहे थे केस, तो हेग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, समझ गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ये देखिए आईसीजे। सेक्रेटरेट की बात करें दोस्तों, तो सेक्रेटरेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है यहाँ का। दुनिया में सबसे बड़ी जो पोजीशन होती है ना, यहाँ पे आईसीजे के जज के बारे में जान लेते हैं हम लोग, आईसीजे के जज के बारे में। आईसीजे के जो जज का टेन्योर होता है दोस्तों, यहाँ पे कितने साल का, 15 साल का होता है, 15 साल का होता है। हाँ, हरीश सालवे थे हमारे वहाँ पे, ठीक है, आईसीजे के अंदर इंडिया के, 15 साल का होता है, रेन्यूएबल होता है, कितनी बार भी आप इसको वापस से कर सकते हो कंटिन्यू। दलवीर भंडारी अभी हमारे वहाँ पे आईसीजे के अंदर जो है, ठीक है, वो अभी जज है, आपको मालूम है। इससे पहले नागेंद्र राव, पाठक जी, ये सब भी जो है ना हमारे इंडिया के जो यहाँ पे वो रह चुके हैं, जज रह चुके हैं, समझ गए। पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस होता था लीग ऑफ नेशन के टाइम पे, बाद में लीग ऑफ नेशन हट गया तो फिर बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। 15, यहाँ पे मैंने एक चीज़ वो मैंने गलत लिख दी है, 9 साल का होता है लेकिन 15 जज होते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको गलत लिख दिया है। टेन्योर तो होता है 9 साल का, और यहाँ पे नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं, वो 15 होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जजेस 15 होते हैं, टेन्योर 9 साल का होता है, समझ रहे हो, ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, ठीक है। अभी जो है वो इंडिया के कौन है, दलवीर भंडारी है, 2027 के अंदर है जो कि इनका टर्म एंड होगा, ओके। बाकी सभी देशों के एक एक है, मतलब ऐसा नहीं है किसी देश के दो है, यहाँ पे सभी के एक एक है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो अभी यहाँ पे यूसुफ करके थे सोमालिया के, 2018 के अंदर वो बने थे, अब्दुल यूसुफ करके थे, जो कि आईसीजे के प्रेसिडेंट बने थे। पूछते नहीं वैसे प्रेसिडेंट के बारे में, सैलरी कितनी मिलती है मुझे नहीं बताया। दुनिया में सबसे बड़ी टॉप पोजीशन जो होती है ना, दुनिया में सबसे बड़ी पोजीशन जो होती है किसी भी की बात करें, जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट से भी जो ऊपर पोजीशन है ना, वो किसकी है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की है। जो ये सेक्रेटरी जनरल होता है दोस्तों, ये दुनिया में सबसे बड़ी पोजीशन मानी जाती है, ठीक है, समझ गए। और अभी कौन है सेक्रेटरी जनरल का काम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये मैंने आपको बता दिया है। यूएन सेक्रेटरी, जल्दी से बताओ भाई, सारा एडमिन का काम इन्हीं को देखना होता है। हाँ, एंटोनियो गुटरेस, बिल्कुल सही है, 2017 में बने थे, कहाँ के थे, पोर्चुगीज के, एंटोनियो, ठीक है। अभी यहाँ पे यूएन के जो सेक्रेटरी जो है ना, ये सेक्रेटरी जनरल, ये भी पेपर में बहुत बार पूछते हैं, ठीक है, कि कौन कौन बने थे, कब बने थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले, ठीक है, कौन बने थे, सबसे पहले जब बना था सेक्रेटरेट उस टाइम पे कौन थे, त्रेंगली, त्रेंगली करके सबसे पहले पर्सन थे, ठीक है, नॉर्वे के थे, मिल गया था आपके लिए, सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल, सबसे पहले, ध्यान रखिएगा ये बात, ओके, त्रेंगली। उसके बाद में 46 में ये बने थे, इन्होंने रिजाइन दिया, फिर हैमर्स जॉल्ट करके बने थे, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जिनको नोबेल प्राइज मिला वो थे हैमर्स जॉल्ट करके, हैमर्स जॉल्ट करके। इंडिया से सेक्रेटरी जनरल दोस्तों अभी तक कोई भी नहीं बना है। पहले एशियन कौन थे, यू थेंट, पहले एशियन अगर आपसे पूछे तो यू थेंट थे बर्मा के, ये फर्स्ट एशियन थे जो कि यहाँ पे बने थे, याद रहेगा, ठीक है। और अफ्रीका के अभी बैंकिंग मून थे इससे पहले, गुटरेस से पहले, उससे पहले कोफी अनान थे, उससे पहले घाली करके थे, तो कोफी अनान ने क्या किया था, कोफी अनान को भी नोबेल अवार्ड मिला था, ठीक है ना। और उन्होंने एक और पोजीशन क्रिएट करी थी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की, तो वो भी आपको बताना चाहिए। एंटोनियो तो अभी है ही, बाकी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो भी आपको बताना चाहिए कौन है भाई। 5 साल का इनका पीरियड होता है, ये कितने साल के लिए बनते हैं, ये बनते हैं 5 साल के लिए, और ये रेन्यूएबल होता है, ठीक है। हाँ, अमीना बिल्कुल सही है, अमीना जे मोहम्मद, अमीना बिल्कुल सही है, डिप्टी कौन बनी हुई है, अमीना बनी हुई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये है यूएन की बिल्डिंग सेक्रेटरी की। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इसकी, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अभी कुछ टाइम पहले बोला गया था हम लोग हिंदी को भी ऐड करेंगे, हमारे पूरे देश में हल्ला मच गया था, क्योंकि पूरे देश में हिंदी नहीं बोली जाती है ना, ठीक है, हमारे देश में 50% लोग हैं जो कि हिंदी बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है इसके गोल्स के बारे में। गोल की बात करें तो सबसे पहला गोल देखो यहाँ पे इसके गोल्स हैं दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल्स हैं जो कि दुनिया में अचीव करने होते हैं। ठीक है, पेपर में कई बार आता है, अलग अलग यूपीएससी एग्जाम में आता है, फर्स्ट सस्टेनेबल गोल कौन सा है, तो है दुनिया में पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है जीरो हंगर, भूख से कोई नहीं मरना चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन देनी है, जेंडर सही रहना चाहिए, इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एनर्जी हो, सबको काम मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्री जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ हो, इनक्वालिटीज कम हो, है ना, सिटीज जो है वो सही तरीके से बने, कम्युनिटीज होनी चाहिए उसमें, ओके, कंज्यूमर एंड प्रोटेक्शन बढ़िया होना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन को लेकर, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस और पार्टिसिपेशन फॉर द गोल्स। तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब है 17 गोल्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, 17 गोल्स होते हैं इतनी बात, और कौन कौन से गोल्स हैं ये बस पता होने चाहिए, कौन सा नंबर है ये याद करने की जरूरत नहीं, किसी को याद नहीं है। ठीक है, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। ठीक है, अभी बात करते हैं आगे अपन एक और चीज को लेकर जो कि हमारे सेंसस को लेकर है। देखो सेंसस की बात करें तो 7वां सेंसस कराया गया 2011 में, सेंसस का स्लोगन था आर सेंसस आर फ्यूचर, चंद्रा मौली जो थे सेंसर कमिश्नर थे 2011 के अंदर। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम की, यूनियन टेरिटरी जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन थी लक्षद्वीप, पॉपुलेशन डेंसिटी में हाईएस्ट वेस्ट बंगाल, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, कुछ गलत लगे तो बता देना, कोई टेंशन नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, कई सारे 20 के आसपास फैक्ट्स है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड कर लो। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक चीज है जो कि गलत है और आपने उसको रेक्टिफाई भी किया है, क्या किया भाई, हाईएस्ट डेंसिटी वाला, बिल्कुल ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी के अंदर बिहार है, बंगाल सेकंड नंबर के ऊपर है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, आपको मालूम है बंगाल सेकंड नंबर पे है और बिहार है नंबर वन पे। बिहार का जो था वो था 1106, बिहार का जो था वो 1106 लोग हैं जो कि पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं, बंगाल दूसरे नंबर पे है जिसके 1028 लोग हैं जो कि पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं, समझ गए। और वैसे अगर यूनियन टेरिटरी ऐड करो तो दिल्ली सबसे ऊपर है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कितने थे भाई हमारे देश में, 640 तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे देश में। ठीक है, 47 इंक्रीज हुए थे 2001 के हिसाब से। टाउन कितने हैं, नियर बाय 8000 टाउन है और कोई 6.5 लाख के आसपास गांव है हमारे देश में। ठीक है, 7933 टाउन अगर आपसे पूछे, मैं लिख देता हूँ आपके लिए छोटा मोटा चीज़ें, 7933 हमारे टाउन है। और विलेज की बात करें तो कितने हैं भाई, 6,40,000 हमारे देश में विलेज है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन आप सभी को मालूम है 1.121 करोड़ 2011 के हिसाब से, अभी तो 1.30 भी पहुंच गई है मेरे ख्याल से। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो 919 था और वैसे सेक्स रेशो 940 था। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशो का मतलब है 6 साल तक के बच्चे का अगर मैं बात करूं तो 919 और ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो 940। ठीक है, इतना 940 जानेगा। और हमारे देश का घनत्व की बात करें, डेंसिटी ऑफ इंडिया ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया का कितना था, 382 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, यही था क्या, हाँ यही है। और 17.64% है जो कि हमने पिछले 10 सालों में ग्रोथ करी है, 17% पॉपुलेशन जो है ना तो 17.6% है जो कि एक डेकेड के अंदर बढ़ी है, समझ गए। हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपको केरला में देखने को मिला है, लोवेस्ट आपको हरियाणा में, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरला में और लोवेस्ट आपको वहाँ पे बिहार में देखने को मिली है। ओके, पूरी दुनिया में भारत की पॉपुलेशन का कितना शेयर है भाई, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ओवर पॉपुलेशन की वर्ल्ड में तो 17.5%, यानी कि हर 5 में से 6 में से, मान लो हर 6 में से एक दुनिया में भारतीय है। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन ऊपर के 5 देश जो है ना इंडिया के अलावा, उन सबकी मिला लो तब भी ज्यादा है, मतलब चाइना को हटा के। ठीक है, दिल्ली के सबसे यूनियन टेरिटरी में सबसे डेंस दिल्ली है, आपको मालूम है ना। वैसे उत्तर प्रदेश 20 करोड़ की पॉपुलेशन, सेकंड पे महाराष्ट्र है पॉपुलेशन में, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है। ओके, ये देखो लिटरेसी की बात करें, मेल 82%, फीमेल 75 और ओवरऑल 74, 1.21 बिलियन हो गए और जबरदस्त पॉपुलेशन जोड़ी हमने। ठीक है, 70% आज भी हमारी ग्रामीण पॉपुलेशन है, 2/3 पॉपुलेशन आज भी रूरल एरियाज में रहती है। डेंसिटी 382% पर किलोमीटर स्क्वायर, उससे पहले 325 थी 2001 के अंदर। ठीक है, सेक्स रेशियो 943 और वैसे जो है 900। ठीक है, वैसे कितना बताया मैंने आपको जल्दी से बताओ, चाइल्ड सेक्स वाला कितना बताया, 919। हाँ, चाइल्ड वाला याद रखिएगा, पेपर में आता है 919। ठीक है, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो दोस्तों आपके सेंसस से यही वाले थे जो कि मैंने आपसे डिस्कस करे, और मेरे को लगता है कि अगर आप ये सारे पॉइंट भी कर लोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया आपके पेपर में सवाल आएगा तो आप आसानी से यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। और बताओ सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पर है? मैं आपको थोड़ा सा और पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ आपके लिए, अगर आपसे पूछे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर मैक्सिमम किसका है और मिनिमम किसका है, तो भाई मैक्सिमम आपको जान के हैरानी होगी मिजोरम का है 971 के आसपास, और हरियाणा का सबसे कम है, और हरियाणा सबसे बॉटम है, समझ गए? ये चाइल्ड सेक्स रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और ओवरऑल के अंदर तो आपको बताई दिया हाईएस्ट वैसे केरला में, ओवरऑल के अंदर वैसे स्टेट की अगर बात करें तो केरला के अंदर है, और ये तो सेम है, हरियाणा वैसे भी कम है, दोनों में कम है, चाहे चाइल्ड वाला हो चाहे वैसे वाला हो, ठीक है। सबसे कम पॉपुलेशन लक्षद्वीप के अंदर है, यूटीज के अंदर, और स्टेट के अंदर सिक्किम के अंदर है, ये तो मालूम ही है ना। दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, एक बच्चा पूछ रहा है 7 बिलियन। और बताओ लिटरेसी रेट केरला में सबसे ज्यादा और बिहार में सबसे कम, लिटरेसी पूछा एक बच्चे ने। लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला में सबसे ज्यादा है, और मिनिमम की बात करें तो बिहार आंसर आपका हो जाएगा, यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप और दादर और नगर हवेली। यूटीज की बात करें तो मैक्सिमम जो है वो तो है लक्षद्वीप में, इसको सही देता हूँ यार मैं, और जो मिनिमम है वो है दादर है नगर हवेली में, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर हमने काफी कुछ जाना, काफी